नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पायोजेनिक ग्रेन्यूलोमा के बारे में, या फिर जिसे पायोजेनिक फाइब्रोमा भी कहते हैं। ये एक प्रकार का वस्कुलर ट्यूमर होता है दोस्तों, जो कि हमारी म्यूकोसा पे हो जाता है और ये एक तरह की ओवरग्रोथ होती है। ट्यूमर आपने बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरह के ट्यूमर देखे होंगे, जिनकी जो बॉडी से ऊपर निकलने लगते हैं, ग्रोथ होने लगती है, कभी मटर के बराबर, कभी चने के बराबर, इस तरह की ग्रोथ उनकी बॉडी पर होने लगती है। इसके जो मुख्य रीज़न है वो हो सकता है कि जीभ में जब कभी ये होता है तो दांत से जब कभी जीभ बार बार कटती है या कोई चोट लगती है तब इसके कारण हो सकता है, और या फिर किसी हार्मोनल फैक्टर के कारण हो सकता है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में समान रूप से देखा जाता है, और प्रेग्नेंट वुमन में खास तौर से देखा जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह होम्योपैथी से हम ग्रेन्यूलोमा के केस को ठीक कर सकते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों, ये जो सज्जन है ये मेरे पास ग्रेन्यूलोमा के केस को लेकर आए थे 28 जून 2016 को। पहली बार जब मैंने इनके केस को देखा तो मैंने इसकी डायग्नोसिस एज ए ग्रेन्यूलोमा की, और आप देख सकते हैं कि ये जो इनका ट्यूमर है ये लगभग एक चने, बड़े जो छोला जिसे कहा जाता है, जो बड़ा चना होता है, उसके बराबर का ये ट्यूमर था। मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया 28 जून 2016 को, और उसके बाद लगभग एक महीने बाद 20 जुलाई को जब ये मेरे पास आए, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस ट्यूमर की जो ग्रोथ है वो 28 जून 2016 को जितनी थी उससे लगभग 30% ये कम हुआ, ये 20 जुलाई 2016 को रहा। इसके बाद जब ये सज्जन मेरे पास आए 6 अगस्त को, उस समय इस ट्यूमर की जो ग्रोथ थी वो लगभग 60% कम हो चुकी थी। 6 अगस्त 2016 को यदि हम इसके ट्यूमर को देखें तो इसकी जो ग्रोथ है वो लगभग 60% खत्म हो चुकी थी, और यदि हम उसके बाद लगभग एक महीना इन्होंने और लिया, और लगभग ये मेरे पास अगली बार जब आए तो ये 3 सितंबर को मेरे पास आए, और 3 सितंबर को आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनकी जो ग्रोथ है वो ट्यूमर की वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इसके बाद कंटिन्यू मैंने इनको 2 महीने फॉलोअप में रखा, तो ये अलग अलग आप देख सकते हैं कि ये इनके फोटोग्राफ्स हैं 3 तारीख के, कि 3 सितंबर के, कि किस तरह से इनके जो ग्रेन्यूलोमा है ये पूरी तरह से इनका ठीक हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से हम होम्योपैथी में ग्रेन्यूलोमा को ठीक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।